अस्सलामु अलैकुम, दिस इज मोहम्मद सुलेमान और इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 2 ई कैट एम कैट कोर्स के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 जो है सॉल्व किया था फिजिक्स का और कुछ टॉपिक जो है हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किए थे। तो आज चैप्टर नंबर 1 के ऊपर लेक्चर नंबर 2 जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर जो है हम लोग डायमेंशन का टॉपिक जो है कवर करेंगे, जो कि आपके इंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग पास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये टॉपिक जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये डायमेंशन निकालना सीखेंगे, सेकंड जो है हम लोग उन क्वांटिटीज को देखेंगे जिनकी डायमेंशन जो है सेम होती है, सेकंड नंबर हम उन क्वांटिटीज को देखेंगे जिनकी डायमेंशन जो है होती नहीं है और उसको जो है हम लोग डायमेंशन लेस कहते हैं, और थर्ड जो है हम लोग एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन की एप्लीकेशन क्या है। सही, तो हमारे पास डायमेंशन को समझने के लिए क्या चीज जरूरी है, एम एल टी को अंडरस्टैंड करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके पास जो M है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, ठीक है, और यहां पर आपके पास L जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को और T जो है आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। सही, तो दो चीजें मैं आपको और बताऊं, जो आपके पास करंट होता है ना, करंट को जो है आप लोग A का यूज करते हुए जो है इसको डायमेंशन में सॉल्व करते हैं, और जब आपके पास टेम्परेचर आ जाए, इसको नोट कर लें अपने पास, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। टेम्परेचर को जो है आप लोग या तो थीटा से करते हैं या फिर आप जो है इसको के से करते हैं। सही, तो ये जो है दो सिंबल इसके लिए यूज होते हैं डायमेंशन के अंदर। तो डायमेंशन किस तरह निकालते हैं तो हम लोगों ने देखना ही है इस वीडियो के अंदर। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको ई कैट और एम कैट के कोर्स से रिलेटेड तमाम वीडियो जो है मिल जाएंगी। तो एक डायमेंशन निकालते हैं पहले, अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूं, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, तो यहाँ पे ये करंट का फॉर्मूला है, ये चार्ज डिवाइड बाई टाइम। अब यहां पर मैं आपको बोलूं कि मुझे चार्ज की डायमेंशन निकाल के बताओ, तो आपने क्या करना है, आई टी हो गया आपके पास, टाइम जो है वहां पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि करंट को आप किससे डिनोट करते हैं, ए से करते हैं, तो आपने सिंपल यहां पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया, और टाइम आपके पास क्या है, टी होता है, आपने कैपिटल टी लिख दिया। अब ये जो आपके पास डायमेंशन निकल के आई है, या आपके पास डायमेंशन जो है चार्ज की निकल के आई है, इस डायमेंशन के अंदर जो है आपके पास मास क्या है, जीरो है, लेंथ क्या है, जीरो है, और बाकी आपके पास क्या है, करंट है, और आपके पास क्या टाइम है। ठीक है, इस तरह जो है आप डायमेंशन जो है निकाल सकते हैं। कुछ मजीद एग्जाम्पल जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं यहां पर बात करूं वेलोसिटी की, थोड़ा पहले आसान आसान लेके चलते हैं, एमसीक्यू जो है बहुत थोड़ा टफ होंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर तरीके के अंदर जो है हो सके। तो वेलोसिटी जो है आपके पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसका फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला नहीं, यूनिट है इसका। सही है, अब जो है आपने यूनिट का यूज करते हुए जो है डायमेंशन निकालनी। अब मीटर आपको पता है किसका यूनिट है, लेंथ का, आपने एल लिख दिया, और सेकेंड क्या आपके पास, टाइम है, तो आपके पास क्या टी आ गया। जब टाइम ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। सही, तो ये जो है आपने डायमेंशन निकाल लिया। तो अगर मैं यहां पर बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन जो है आपके पास क्या होता है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अब अगेन मीटर क्या है, लेंथ है, और टाइम क्या है आपके पास, सेकंड, तो इसका इस दफा स्क्वायर आएगा, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एल टी के पावर में क्या, माइनस टू आ जाएगा। तो देखो ये चीज है बहुत सिंपल, लेकिन जिस तरह फॉर्मूले आगे जाके आपके लिए मुश्किल होंगे, तो आपको डायमेंशन को सॉल्व करने के अंदर भी आपको जो है प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं वहां पे फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर आपके पास मास जो है वो तो कैपिटल एम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एम एल टी बताया था, कैपिटल एम क्या चीज शो करता है, मास को शो करता है। अब बात यहां पर आई एक्सेलरेशन की, अभी हम लोगों ने जो है डायमेंशन निकाल ली एक्सेलरेशन की, यहां पर आपने यहां पर जस्ट पुट की एल टी पावर माइनस टू, ठीक है, तो ये आपके पास जो है फोर्स की डायमेंशन निकल के आ गई। अब एक और देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन को जो है डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा था, आपको एक दफा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपने डायमेंशन के एमसीक्यूज किस तरह सॉल्व करने हैं या किस तरह आपको डायमेंशन जो है फाइंड करनी होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है एम वी आर के बराबर होता है। सही है, एम वी आर के बराबर होता है। अब आपने इसकी डायमेंशन निकाल लिया, अब आप एम देखें यहां पर क्या चीज है, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास यहां पर वी है, ये वी क्या चीज है,
ये आपके पास है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का हमने अभी यहाँ पर निकाला है एल टी पावर माइनस वन, तो आपने जस्ट यहाँ पर एल टी पावर माइनस वन पुट कर दिया। और यहाँ पर आर आपके पास क्या है रेडियस, तो रेडियस किसका यूज होता है, लेंथ ही होती है किस्म की, तो आपने यहाँ पर इसको भी एल लिख दिया। तो अब इसको जब आप देखेंगे तो एल एल यहाँ पर सेम है, तो उसकी पावर जो है आपस में एड हो जाएगी, इसके ऊपर भी वन है इसके ऊपर भी वन है, तो जब इनको आप प्लस करेंगे तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, और यहाँ के पास टी पावर माइनस वन। तो ये जो है आपके पास एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। इसी तरह आप जो है लीनियर मोमेंटम की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, सही। तो ये जो है हम लोगों ने डायमेंशन को डिस्कस कर लिया, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करवा दी, ठीक है। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम उन क्वांटिटीज को डिस्कस करने वाले हैं जिनकी डायमेंशन जो है सेम होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूं वर्क की, और यहां पर मैं बात करूं आपके सामने एनर्जी की, फिर मैं आपके सामने बात करूं हीट की, ये तीनों ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट जो है जूल होता है। तो यहां पर बात ये हो रही है कि वो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम हो, तो हम बात करते हैं वर्क की। वर्क का फॉर्मूला आपको पता होता है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, सही। अभी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर जो है फोर्स की डायमेंशन निकाली थी, तो आपने जो उसको निकाली थी वो एम एल टी पावर माइनस टू थी, सही। अब साथ में डिस्टेंस क्या आपके पास होता है, लेंथ होती है किस्म की, तो आपने यहां पर एल लिख दिया। अब देखो लेंथ लेंथ क्या है, बेस सेम है, पावर एड कर दो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये तो आपने वर्क की निकाल ली। अब आप जो है एनर्जी की निकाल के देखो, एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, यहां पर मैं जो है काइनेटिक एनर्जी ले लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पर जो हाफ है ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, इसको साइड पे कर दो। बाकी क्या बचा, एम बचा, एम क्या लिख दिया आपने, कैपिटल एम लिख दिया। अब आप क्या बचा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है आपके पास, मीटर पर सेकेंड होता है, डायमेंशन क्या होती है, एल टी पावर माइनस वन, निकाल चुके हैं हम अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं इसको, सही है। तो अब जो है आपने यहाँ पर जस्ट जो है एल टी पावर माइनस वन लिखा, इसका इस होल स्क्वायर लेना है, ये गलती ना करना, होल स्क्वायर लेना इसका, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको अप्लाई कर दिया, तो देखो डायमेंशन बिल्कुल सेम आई है, यहाँ वर्क की आई थी और यहाँ से एनर्जी की आई है, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि ये वो क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम रहती है, सही। तो यहां तक आपको होपफुली जो है समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या डिस्कस करेंगे कि वो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन जो है सेम नहीं होती, सही है, जिनकी डायमेंशन सेम नहीं, सॉरी यहां पर लिखा है नो डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन होती नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस कहते हैं, डायमेंशन लेस कहते हैं। ये आपको किसका पता चलेगा, तो देखो वो क्वांटिटीज जो कि जिनका रेशियो जो है सेम हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप फोर्स और डिवाइड बाय फोर्स का रेशियो ले लो, तो भाई ऊपर भी फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, नीचे भी फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ऊपर आप डायमेंशन लिखोगे एम एल टी माइनस टू, नीचे भी वही लिखोगे एम एल टी माइनस टू, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी ना, डायमेंशन तो बनी नहीं। तो इस वजह से वो क्वांटिटीज जिनका आप रेशियो ले सेम क्वांटिटीज हो, तो वो जो है आपके पास डायमेंशन लेस कहलाती है। आपको याद होगा कि मैं लेक्चर नंबर वन जब सॉल्व करवा रहा था आपको, तो वहां पर आपके पास रेडियन आया था। रेडियन क्या था आपके पास, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, एस इज इक्वल टू आर थीटा, जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो थीटा क्या था, एस डिवाइड बाय आर। एस आपके पास क्या है, आर्क लेंथ होती है, तो इसका यूनिट क्या होता है, लेंथ। रेडियस क्या है, ये भी लेंथ। अब लेंथ लेंथ से कैंसिल हो गया, डायमेंशन क्या बचा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी थी। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि लेक्चर नंबर वन के अंदर कि रेडियन जो है आपके पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और जो कि मैंने भी आपको जो है प्रूफ करके भी बता दिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करें यहां पर एफिशिएंसी की, तो वो क्या होता है, रेशियो होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। यहां पर आउटपुट क्या होता है, ये भी आपके पास वर्क डन होता है और ये भी आपके पास वर्क डन होता है। दोबारा से सेम क्वांटिटीज आ गई, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो होपफुली आपको डायमेंशन लेस क्वांटिटी का जो है कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ चुका होगा। अब जो है हम लोग एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि भाई एप्लीकेशन जो है इसकी क्या जो है यूज है इसका। तो देखो भाई ये जो है आपके पास इक्वेशन को डायमेंशन के तौर पे जो है प्रूफ करने के लिए जो है यूज होती है, कि भाई उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है दोनों की दोनों जो है आपस में बराबर हो। उसकी एक मिसाल जो है मैं आपको देता हूं। अगर हम यहां पर बात करें वर्क के फॉर्मूले की, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जाए, तो वहां पर आपके पास वर्क का फॉर्मूला जो है क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है।
तो अब जो है हम इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को प्रूफ करेंगे, तो आपको समझ में आएगा इसकी एप्लीकेशन जो है क्या है। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब यहां पे आपने फोर्स सिंपल लिख दिया और यहां पे आपने क्या लिख दिया, डिस्टेंस। अब देखो भाई फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, हमने लास्ट स्लाइड के अंदर निकाल चुके हैं, तो मैं बार बार आपको निकाल के दिखाऊंगा नहीं, तो आप जो है इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, ताकि आपको जब आप तैयारी कर रहे हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आपको जो है आसानी होगी, आपका एक काम जो है एक प्रॉपर जगह पे जो है मौजूद होगा। तो आपने फोर्स की यहाँ पर डायमेंशन पुट कर दी ML T^-2। अब डिवाइड किससे करवाना है, एरिया से। एरिया क्या है, लेंथ का स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, सही। अब यहां पर आपके पास क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब का क्या मतलब है, आपके पास एल क्यूब आ गया, ठीक। अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं, राइट साइड पे क्या है, फोर्स डायमेंशन पुट कर दो यहां पर उसकी, ML T^-2, और डिस्टेंस यहां पर क्या है, एल, सही। तो अब जो है हम लोग सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड को, देखो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, वन बच जाएगा। तो अब जो है यहां पर आपने क्या करना है, अब यहां पर लेंथ और लेंथ यहां पर है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, यहां पर वन है, यहां पर भी वन है, तो क्या हो जाएगा, ML^2, ये आपके पास लेफ्ट साइड से निकल के आ रहा है। अब राइट साइड पे क्या आ रहा है, देखो राइट साइड पे एम आ रहा है, एल एल की पावर क्या एड हो जाएगी, बेस सेम है, L^2 T^-2। तो भाई देखो प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो है आपके पास डायमेंशन की जो है एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर जो है हम लोग डायमेंशन का जो है यूज करते हैं। तो जो है हम लोगों ने एप्लीकेशन को डिस्कस कर लिया, तो अब जो है हम लोग मूव करेंगे एमसीक्यूज की तरफ, जो कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट देंगे कि आपने किस तरह जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्या है कि आपको एक डायमेंशन निकाल के दी हुई है, और ये बोला है कि भाई ये किस फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले की जो है ये डायमेंशन है। तो आपने अब फोर्स का, देखो फोर्स की हमने डायमेंशन बहुत दफा निकाली है, आपको पता है कि क्या होती है, ML T^-2, तो देखो भाई ये तो है नहीं, तो आप इसको सिंपल क्रॉस, देखो एमसीक्यू सॉल्व करते हुए एक ट्रिक आजमाओ कि हमेशा जो है ऑप्शंस को क्यों कैंसिल आउट करते जाओ, सही। जितना ऑप्शन को कैंसिल आउट करोगे ना, उतना जो है आपके लिए आसानी होगी, सही। तो देखो भाई अगर यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हो ना, आपका हो सकता है आपका राइट ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन के अंदर आ जाए, ये नहीं कि आप बाकी ऑप्शन को देखा ही नहीं, आपने बाकी ऑप्शन को भी देखना है। तो देखो बाकी ऑप्शन को देखने से जो है, अभी हम लोग जब वीडियो बना रहा हूं ना आपके लिए, तो मैं इसके अंदर आपको तमाम ऑप्शन सॉल्व करवाऊंगा, उसकी वजह क्या होती है कि आप उन ऑप्शन से जो है नए से नए एमसीक्यू सीखते हैं। अब ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इससे क्या होगा कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डायमेंशन निकालने का पता चल जाएगा। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, सही है, डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ऊपर भी फोर्स क्या है, न्यूटन होता है, नीचे भी क्या होता है, न्यूटन। तो भाई मैंने आपको बताया था कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका हम लोग रेशियो ले और वो सेम रेशियो क्वांटिटी हो, तो वो क्या कहलाती है, डायमेंशनलेस कहलाती है। तो ये तो भाई आपकी लाइन से ही हट गया एमसीक्यू, क्यों हट गया कि भाई ये डायमेंशनलेस हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, खत्म हो गए। अब सी ऑप्शन आपके पास क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी is equal to stress divided by strain। अब देखो stress की dimension अलग होती है और आपके पास strain की dimension अलग होती है। तो stress को बात कर लेते हैं, stress होता क्या, stress का जो आप formula देखें तो ये होता है force divided by area। तो भाई force के जो dimension अब तक तो आपको याद होने जाने चाहिए कि कब से हम लोग पढ़ रहे हैं, ML T^-2, और area क्या है, L का square। तो भाई एक square से एक L cancel हो गया, अब आपके पास क्या बचा, m ऊपर जाके l क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, T^-2। ये आपके पास किसकी डायमेंशन निकल के आई है, स्ट्रेस की आई है। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। देखो स्ट्रेन का जो किसी भी डायमेंशन को निकालने का तरीका ये है कि उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपको कुछ याद नहीं भी होंगे तो जो है मैं आपको तभी साथ साथ जो है बताता भी जा रहा हूं। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी रेशियो होता है आपके पास, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। तो आप अपना फॉर्मूला देखो इलास्टिसिटी का, ये फॉर्मूला आपके पास, सही है। अब इसके अंदर देखो भाई ये तो लाइन से हट गया, क्यों हट गया, डायमेंशनलेस है, आपके पास क्या बच गया, सिर्फ स्ट्रेस बच गया। तो क्या मतलब है, जो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी
वही डायमेंशन जहां के पास इलास्टिसिटी की होगी। तो क्या आंसर आएगा, एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू। तो यहां पर देखो भाई सेम ऑप्शन आपको मिल चुका है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है हो चुका है। देखो मैं करवाना चाहूं तो मैं इसको बहुत एक मिनट के अंदर सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन मैं इसके ऊपर टाइम स्पेंड करूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। आपको ई कैट के अंदर किसी चीज का जो है ख्याल करना है। अब जो है एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, इसकी आप डायमेंशन निकाल लो। हाफ हाफ को जो है आपको पता है कि भाई इसकी डायमेंशन नहीं होती। एम क्या आपके पास मास है, और आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन ने बहुत दफा निकाली है। क्या होती है भाई, एल टी पावर माइनस वन का होल स्क्वायर लेना है आपने, तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। तो ये आपके पास जो है भाई यहाँ पर एल जो है पॉजिटिव में स्क्वायर आ जाती है, और आपके पास जो है गलत ऑप्शन है। तो इस तरह जो है आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो भाई अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो सके। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज नंबर टू। क्या बोला गया भाई, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकाल के बताओ। सही है, अभी जो है हमने एमसीक्यू सॉल्व किए, तो अब जो है हम लोग सॉल्व करेंगे कि भाई किस तरह जो है आपने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो है डायमेंशन निकालनी है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा, इसके बाद जो है रेडियस, और फिर आपके पास क्या होता है वेलोसिटी होती है। अब यहां पर जो ईटा जो है आपके पास ये शो कर रहा है, ये विस्कोसिटी को शो कर रहा है, ये कोएफिशिएंट ऑफ क्या है विस्कोसिटी है। इसको जो है आपने अलग कर लेना है क्योंकि आप जो है इसकी डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं। इसको आपने साइड पे किया। अब यहां पर देखो भाई ये सिक्स पाई क्या है, ये आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये तो आपके पास साइड पे हो गया। क्या बच गया, फोर्स डिवाइड बाय रेडियस इन टू वेलोसिटी। सही, अब फोर्स की डायमेंशन आप लोगों को याद हो चुकी होगी, एम एल टी पावर माइनस टू डिवाइडेड, डिवाइड में क्या आएगा भाई आपके पास रेडियस का क्या होता है बताओ भाई, लेंथ होता है, लेंथ क्या होगा मीटर हो जाएगा, तो लेंथ आपने लिख दिया कैपिटल एल। अब वेलोसिटी बची, वेलोसिटी की डायमेंशन याद ही, एल टी पावर माइनस वन। सही, इसको करने के बाद अब आपने देखो भाई ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, अब क्या बचा आपके पास एम बच गया। अब ये एल जो है ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का वन हो जाएगा, और अब देखो टी, अब टी जो है माइनस का टू था, अब ये माइनस का वन ऊपर क्या हो जाएगा प्लस का वन हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास टी जो है माइनस वन निकल के आ जाएगा, तो आपके पास जो क्या रिजल्ट आया, एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस वन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह जो है आपने डायमेंशन जो है फाइंड करनी है ऑप्शन ऑफ विस्कोसिटी की। तो आपने देखा होगा कि भाई अगर आपको ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो जो है आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो जब जिस तरह जो है हम लोग अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग डिफरेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो ये फॉर्मूले जो है आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेंगे। अभी जो मेन चीज है वो डायमेंशन के ऊपर है। नेक्स्ट आपके पास लेटेंट हीट का जो है आपने डायमेंशन निकाल के दिखानी है। देखो आसान आसान डायमेंशन निकालना बहुत आसान है, ये थोड़ी सी मैं आपको डिफरेंट तरीके से थोड़ी सी मुश्किल करवा रहा हूँ, क्योंकि ये आपसे जो है आपके इंटरेस्ट के अंदर जो है पूछी जाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है लेटेंट हीट का, एल इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय मास। सही, अब एनर्जी की डायमेंशन जो है हमने बहुत दफा निकाली है, काइनेटिक एनर्जी की मैं आपको मिसाल देता रहा हूं बहुत दफा, हाफ एम बी स्क्वायर। सही है, और नीचे जो है आपके पास क्या है मास है। अब इसकी डायमेंशन किस तरह निकालनी है उसको देख लेते हैं। एनर्जी की मैं यहां पर आपको निकाल के दोबारा दिखा देता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो आपको पता है भाई इसकी डायमेंशन नहीं होती, इसकी क्या बचेगी एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू का। सही, अब यहां पर आपने इसको पुट कर दिया, नीचे आपके पास क्या था मास था, मास से मास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन क्या बच के आएगी एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। तो ऑप्शन देख लो भाई अपने। अब इसका क्या मतलब है यहां पर कि एम जो है आपके पास क्या जीरो है। सही है, तो आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये नहीं कि आप परेशान हो जाएंगे भाई यहां तो एम भी गिवन है, तो ये भी तो देखो कि एम के ऊपर जीरो लिखा हुआ है। जब भी किसी भी नंबर के ऊपर जीरो लिखा होता है ना, इसका मतलब ये है कि वो वन के बराबर है। सही है, तो ये जो है आपको चीज देखनी है। तो ये आपके पास जो है ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका गलत होता है सही होगा। सही है, बी ऑप्शन में देखो तो बी में जो है आपके पास एम जो है ये वन है इसके ऊपर पावर, तो तभी ये जो है गलत हो जाएगा। बाकी सी और डी जो है आपके पास
थोड़े से बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एल का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर एल का नहीं था, तो ऑप्शन जो है गलत आपके पास। सही है, फोर एमसीक्यू से डिस्कस कर लेते हैं भाई। इसके अंदर क्या है, डायमेंशन निकालनी है कपल की। अब कपल होता क्या, ऐसा फॉर्मूला बताना चाहिए आपको। तो कपल का फॉर्मूला ये होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। सही, अब फोर्स के डायमेंशन आपको पता है, आंखें बंद करके भी लिख सकते हो भाई, एम एल टी पावर माइनस टू, और डिस्टेंस आपको अभी पता है कि भाई ये लेंथ के बराबर होता है, तो क्या बन के आएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो कितने आसानी से हमने कपल की डायमेंशन है निकाल ली, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा। सही, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या, अगेन ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। अब नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी की जो है आपने डायमेंशन बतानी है। तो भाई इसका यूनिट जो है वो देख लेते हैं, जो यूनिट क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी को जो है हम लोग के से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट आपके पास होते हैं वाट मीटर का इनवर्स, और जो है आपके पास के का इनवर्स। के क्या है, आपके पास टेम्परेचर है, केल्विन, केल्विन का इनवर्स। सही है, अब वाट जो होता है आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जूल डिवाइड बाय सेकेंड होता है। सही, अब जूल आपके पास किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के बराबर होता है, न्यूटन मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। अब देखो भाई न्यूटन मीटर पर सेकेंड, अब न्यूटन की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, एम एल टी पावर माइनस टू। अब यहां पर आपके पास क्या है, एम है, एम आपके पास क्या है, मीटर, तो ये क्या हो गया लेंथ, आपने को एल लिख दिया, डिवाइड में आपके पास क्या है, टाइम है। सही है, ये आपके पास डायमेंशन किसकी निकल के आई, सिर्फ वाट की निकल के आई है। सही है भाई, अब आपके पास क्या है, मीटर का इनवर्स है, तो ये आपके पास क्या है, लेंथ है। सही, अब जो हम यहाँ पर पुट करने वाला हूं, वाट की डायमेंशन को पुट कर लेता हूं, पहले मैं यहां पर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाय जो है टी। सही, अब जो है ये जो इनवर्स है इसको मैं डिवाइड में लेके आता हूं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ आ जाएगी। इस के को जो है ये आपके पास केल्विन है, मैंने आपको बताया था, देखो भाई आप थीटा का भी यूज कर सकते हो, आप के भी यूज कर सकते हो, अपने ऑप्शन में देखो तो मैं थीटा लिखा हुआ है, तो आप थीटा यूज करना। सही है, तो जब ये नीचे आएगा पॉजिटिव कवर हो जाएगा, तो ये थीटा लिखा है थीटा। सही है, अब यहां पर देखो एक एल से एक कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, एम, फिर आपके पास एक एल बच गया, और टी जो है आपके पास ये प्लस का वन जो है ऊपर के माइनस का वन हो जाएगा, तो ये माइनस थ्री आ जाएगा, और थीटा का जो है माइनस वन आ जाएगा। ऑप्शन देखो अपने भाई, इसमें तो एल का स्क्वायर नहीं है, इसमें एल का स्क्वायर आ गया, ए ऑप्शन गलत, बी में भी स्क्वायर एल का, ये भी गलत, ये भी गलत, लेकिन डी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। सही है, इस तरह जो है आपने डायमेंशन को जो है कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। सही है, एमसीक्यू नंबर सिक्स, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब मैंने आपको इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताया था, तो वहां पर जो है मैंने स्ट्रेन को डिस्कस किया था कि भाई ये जो है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ का जो है रेशियो होता है, और ये जो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, ये आपके पास क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होने का मतलब ये है कि आपके पास मास भी जीरो है, आपके पास लेंथ भी जीरो है, आपके पास टाइम भी जीरो है। अपने ए ऑप्शन देखो, ये चीज लिखी हुई है, बाकी ये सब ऑप्शन में गलत है। सही है, तो इस तरह जो है आपने सॉल्व करना है। सेवन एमसीक्यूज की बात करते हैं, पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट डिवाइड बाय टाइम। सही है, सॉरी वॉट नहीं, यहां पर आपके पास जो है वर्क होता है। सही, इसको ये है पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डिवाइड बाय टाइम। अब वर्क का जो है फॉर्मूला आपको पता चाहिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, और डिवाइड में आपके पास टाइम आ गया। अब फोर्स की डायमेंशन पुट कर लो यहां पर भाई, एम एल टी माइनस टू, और यहां पर डिस्टेंस क्या है, आपके पास एल आ जाएगा, और टाइम आपके पास नीचे आ जाएगा डिवाइड में। इसको आपने सॉल्व करना है, एल की पावर जो है ऐड हो जाएगी, और आपके पास टी माइनस टू ऊपर आके ये भी आ जाएगा माइनस का वन, तो आपके पास डायमेंशन क्या आएगी निकल के, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री। आपके पास जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, बाकी जो है आपके पास सारे गलत ऑप्शन है। सही है, एट एमसीक्यू से सॉल्व करते हैं भाई, डेंसिटी की डायमेंशन बताओ। डेंसिटी आपके पास क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। सिंपल, आपने मास का कैपिटल एम लिखा, वॉल्यूम का एल क्यूब लिखा, तो एल क्यूब ऊपर क्या हो जाएगा, एम एल माइनस थ्री। अब इसके अंदर आपके पास टाइम क्या है, जीरो के बराबर होगा। सही है, तो आपके पास डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल एमसीक्यू से बस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आपको एम एल टी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नाइन एमसीक्यू क्या है,
थोड़ा सा ये लेंथी एमसीक्यूज है, क्योंकि लेंथी एमसीक्यूज क्यों है, क्योंकि हम लोग हर चीज को बहुत ही गहराई के साथ डिस्कस करते हैं कब से। तो भाई ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिनकी डायमेंशन जो है सेम है। अब यहाँ पर देखो भाई, आपको बहुत ज्यादा जो है क्वांटिटीज की डायमेंशन सीखने को मिलेंगी। स्पेसिफिक हीट की बात कर लेते हैं, तो स्पेसिफिक हीट का जो है आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, सही है। सी जो है आपके पास स्पेसिफिक हीट है, आपने सी को फाइंड करना है, आपने इसको अलग कर लिया, Q डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। अब आपके पास Q क्या चीज है, Q जो है आपके पास हीट एनर्जी है, सही है। एनर्जी, हीट एनर्जी जब आपके पास आती है, इसका मतलब यह है कि ये आपके पास जूल आ गया, सही है। इसका जूल आपके पास क्या होता है, जूल होता है, और डिवाइड में आपके पास क्या है, मास, और ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर, सही है। अब जूल जो है आपको पता है इसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के बराबर होता है, सही। और आपके पास नीचे क्या है, ये आपके पास मास है, इसको हमने कैपिटल एम से लिख दिया, और टेम्परेचर जो है आपके पास केल्विन यूज कर लेना, सही है। अब देखो भाई, न्यूटन आपके पास पता क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और मीटर क्या होता है, एल होता है, सही है भाई। सॉल्व कर लो इसको, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, और केल्विन ऊपर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, सही। तो ये डायमेंशन जो आपके पास निकल के आएगी स्पेसिफिक हीट की। अब बात करते हैं लैटेंट हीट की, जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस भी किया है, एल इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय मास। एनर्जी अगेन क्या है, जूल है। अब आपको यहां पर जूल की डायमेंशन निकाल के दिखाई है, तो क्या है यहां पर, एम एम एल टी माइनस टू, और ये आपके पास क्या है, एल आ जाएगा, सही है। और डिवाइड में आपके पास क्या है, मास है, मास से मास कैंसिल, डायमेंशन क्या बचेगी, एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो भाई देखो, यहां पर आपके पास क्या है, टेम्परेचर आ गया, और यहां पर आपके पास क्या, टेम्परेचर नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि यहां पर जो है डायमेंशन जो है इन दोनों की डिफरेंट है, तो इस वजह से जो है आपका ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, सही है। अब जो है हम लोग अपना बी ऑप्शन को देख लेते हैं कि बी ऑप्शन में क्या बोला हुआ है इसने, ये बोला हुआ है कि भाई इंपल्स और मोमेंटम की डायमेंशन निकालो और बताओ कि ये इनकी डायमेंशन जो है आपके पास सेम है या इनकी जो है डिफरेंट है, सही है। तो जो है मैं यहाँ पर रेस कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस से हमको मिल जाए यहाँ पर एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो इंपल्स की पहले जो है हम लोग यहाँ पर डायमेंशन देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है भाई, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और ये आपके पास टी आ जाएगा। अब आपके पास एम एल टी माइनस वन, ये आपके पास डायमेंशन निकल गया ये इंपल्स की। मोमेंटम की डेफिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, अपने वीडियो को स्टार्ट करने जो है डिस्कस किया था। मोमेंटम क्या होता है, आपके पास मास इंटू वेलोसिटी, मास आपने लिखा कैपिटल एम, वेलोसिटी आपने लिखा एल टी माइनस वन। तो देखो भाई, आंसर जो है हमारा को सेम आ चुका है हमारा, तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो भाई आपने ये नहीं करना कि बाकी के दो ऑप्शन सॉल्व देखे ही नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई बहुत ऑप्शन भी ठीक हो रहे होते हैं। तो मैं तो जो है आपको सिखा रहा हूं, तो मैं आपको जो है सी और डी ऑप्शन भी बताऊंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि सरफेस टेंशन की जो है डायमेंशन क्या होती है। आपके लिए सरफेस टेंशन जो है नई चीज होगी, जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो सरफेस टेंशन को देख लेते हैं कि भाई इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, फोर्स डिवाइड बाय आपके पास लेंथ होता है, सही है। अब इसको जो है आपको पता है फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू होती है डायमेंशन इसकी, डिवाइड बाय लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एम टी माइनस टू बच जाएगा। तो फोर्स आपको पता है कि भाई इसकी इसके अंदर लेंथ भी आती है, तो ये तो अभी आपके पास डायमेंशन जो है सेम नहीं होगी, तो आपके पास सी ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन क्या है, तो डी ऑप्शन में आपके पास देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या होता है, एम आर का स्क्वायर, सही है। एम आपके पास यहाँ पर क्या चीज है, मास है, तो आपने यहाँ पर मास लिख दिया, और यहाँ पर आपके पास आर क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो आपके पास एल का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। ये तो आपके पास डायमेंशन निकल के आ चुकी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब बात करते हैं कि टॉर्क की डायमेंशन क्या होगी। देखो भाई, टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला जो है आपके पास फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, सही है। यहाँ पर जो है मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि टॉर्क की डायमेंशन किस तरह निकालनी है आपने। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू, और आपके पास ये एल आ जाएगा, तो इसको जो है आप एल की पावर को एड कर दो, तो आपको देख रहे हैं भाई ये आपके पास अलग है,
और ये आपके पास अलग है तो आपके पास डी ऑप्शन में जो है गलत हो जाएगा। इस तरह जो है हमने इस एमसीक्यूज को सॉल्व किया। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है हमारे पास एन एमसीक्यूज है, इसके अंदर आपके पास क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी जो है किस डायमेंशन में जो है सेम होगी। यहाँ पर पहले आप डायमेंशन लिख लो काइनेटिक एनर्जी की ताकि आपको आसानी हो मैच करने के अंदर। पता आपको भाई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। जूल क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर का क्या मतलब है कि फोर्स का, तो मतलब आपको पता है कि भाई न्यूटन है तो एम एल टी माइनस टू आ जाएगा। और ये मीटर क्या होता है, एल होता है, एक और एल यहाँ पर आपने लिख दिया। डायमेंशन क्या निकल के आएगी, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। तो अब यहाँ पर देखो भाई फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू होती है। तो ये तो मैच नहीं कर रही, ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी ऑप्शन की तरफ जाओ। बी ऑप्शन क्या है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स क्या है भाई, एम एल टी पावर माइनस टू। एरिया में क्या है, एल का स्क्वायर। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाके एल क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये आपके पास जो है आ जाएगा। दोबारा से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। अब वर्क की बात करते हैं, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। देखो भाई अगर आपने देखो, मैंने आपको यहाँ पर लेक्चर के अंदर एक चीज बताई थी कि कौन सी क्वांटिटीज ऐसी है जिनकी जो है डायमेंशन सेम होती है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि वर्क, हीट और जो है एनर्जी, इन तीनों का यूनिट जो है सेम है, जूल जूल है। तो डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो देखो भाई आप आंखें बंद करके भी जो है सी ऑप्शन लगा सकते थे, लेकिन मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट देने के लिए जो है बाकी ए और बी ऑप्शन भी जो है बताए ताकि आपको पता चल सके। मोमेंटम की डायमेंशन हमने पीछे बहुत दफा निकाल चुके हैं कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो सॉल्व करेंगे एम एल टी माइनस वन आएगा, दोबारा से आपके पास डिफरेंट डायमेंशन आ रही है, तो आपके पास जो है रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो होपफुली जो है हमने इस लेक्चर के अंदर जो है डायमेंशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया और आपको जो है मैंने काफी डायमेंशन निकाल के दिखाई है। आप जो है प्रैक्टिस करें इनकी और डिफरेंट जो है फॉर्मूलाज की, डिफरेंट है फिजिकल क्वांटिटीज की जो है डायमेंशन निकालना सीखे, ताकि जो है आपको ई कैट जब आप जो तैयारी कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी जो है मजीद अच्छी हो सके और आपका यूनिट टेस्ट जो है आसान अच्छे नंबर से जो है क्लियर हो सके। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नॉलेज पूल, और बेल आइकन को लास्ट प्रेस करें ताकि आपको जो है तमाम अपडेट मिल सके हमारी वीडियो की। और मैंने यहाँ पर जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसके ऊपर जो है आप मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ई कैट और एम कैट से रिलेटेड, सही है। तो होपफुली आपने ये वीडियो बहुत ज्यादा एंजॉय की होगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।